आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें बताना है कि हाउ डज राइज इन टेम्परेचर अफेक्ट विस्कोसिटी ऑफ गैसेस एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। मतलब टेम्परेचर के राइज होने पे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स में क्या फर्क आता है। तो अगर अपन टेम्परेचर की बात करें, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मेनली दो फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है विस्कोसिटी के केस में टेम्परेचर के लिए। पहला कोहेशन फोर्सेस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरी बात होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब असल में क्या रहता है कि जो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके बीच में कोहेशन के फोर्सेस लगते हैं, मतलब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उस वही कोहेशन फोर्सेस है। और अगर एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो उसके बीच में मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेशन फोर्सेस से क्या मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स से एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो कोहेशन फोर्सेस जो होते हैं वो घट जाएंगे क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंसेस बढ़ गए। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स और ज्यादा तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लिक्विड को कंसिडर कर रहे हो तो आपको फर्स्ट केस को देखना होता है क्योंकि उस केस में लिक्विड इतना ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को इतना ज्यादा नहीं दिखते। लेकिन गैसेस के जो गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। तो उस समय पर हम सेकंड फैक्टर को देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है उसके केस में हम गैसेस को देखेंगे। मतलब अगर कोहेशन फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में घट गए टेम्परेचर बढ़ाने पर तो क्या होगा, उसके उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब वो किसी भी चीज को कम रेज कर पाएंगे क्योंकि अब वो तो उनके बीच में जो फोर्सेस थे वही कम हो गए तो इसलिए वो दूसरे को कम रेस्ट कर पाएंगे। और गैसेस केस में देखें तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर अगर बढ़ जाएगा, मतलब अगर उनके बीच में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे क्या वो एक दूसरे से काफी जोर जोर से टकराएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज है अगर वो किसी फ्लूइड में जो कि गैसेज है अगर किसी भी गैस में से निकलने की कोशिश करेगा तो उसको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। तो गैसेज केस में हम लोग हमारा जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ में। तो बस हम इन दो फैक्टर के बेसिस पे आराम से बता सकते हैं कि टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। अगर विस्कोसिटी ऑफ मतलब लिख लेते हैं इसको एक जगह पे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने को, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।